Hello students, here I have to print whether a number is pronic number or not with the help of Java program. So, इसके लिए पहले हमें ये जानना होगा what is a pronic number. तो जैसे हमने number लिया, n का कोई value होना चाहिए. अगर हमने n equals to 42 लिया, means ये 42 तक check करेगा अगर हम for loop लगाएंगे. For i equals to 0, i less than equals to n, i plus plus. इस केस में n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 42. मींस ये प्रोग्राम चेक करेगा जब तक n का वैल्यू 42 रहेगा, और इसमें ये चेक करेगा, जैसे फैक्टर हमने पढ़ा था कि वो नंबर जो होना चाहिए वो किसी दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. जैसे 42, तो सबसे पहले वो काउंटर करेगा 6. 2, 3, 6 आता है तो मतलब 2 के कंसेक्यूटिव, 2 के तुरंत बाद 3 आता है तो 2, 3, 6. 4 के तुरंत बाद 5 आता है, 4, 5, 20. 6 के तुरंत बाद 7 होता है, 6, 7, 42. मींस हमने n 42 दिया तो वो 1 से लेके 42 तक चेक करेगा, और वैसे नंबर्स जिनका कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आता है उसको बोलते हैं प्रोनिक नंबर. मींस 20, 6, 42 क्या हो गए, प्रोनिक. टू मेक दिस प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ब्लू जे में, आप देख रहे हैं मैं ब्लू जे में बना रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है import java.util.asterisk class pronic. class का नाम क्या है, pronic. int n i equals to 1, p equals to 0. मतलब मैंने आपको बताया था कि if you are doing programming then you need to identify which kind of variable you will take. हमने एक method use किया है display. फिर scanner class मैंने यहाँ पे use किया, scanner sc equals to new scanner system.in system.out.println enter a number and n equals to sc.nextint. enter a number मतलब after execution तुम जो number दोगे वो फिर display होगा. int flag equals to 0, यहाँ पे flag एक variable है बस, जैसे हम लोग area लेते हैं, जैसे num लेते हैं, वैसे ही flag एक variable है. हम for loop चलाएंगे, i equals to 0, i less than n, i plus plus, जैसे मैंने 42 के लिए बताया, n का value 42 है तो वो 42 तक check करेगा. If i into i plus 1 equal equal n, इसका मतलब if i into i plus 1 equal equal n, इसका मतलब जैसे 2, 3, 6 हुआ था. If i, तो मान लीजिए 2 का वैल्यू है 2, i का वैल्यू है 2, 2 into 2 plus 1 that is 3 equal equal n that is 6. तो यहाँ पे 2 into 2 plus 1 that is 3 equal equal 6. तो 6 equals to 6 आ रहा है. This is logical operator, मैंने बताया था logical operator, relational operator sorry, कि in case of relational operator both should be equal, तब ये equal होता है. वैसे ही यहाँ पे ये चेक करेगा कि इफ़ आई इंटू आई प्लस वन इक्वल इक्वल एन, इन केस ऑफ 6 वो नंबर 6 आ रहा है कि नहीं, इन केस ऑफ 42 वो नंबर 42 आ रहा है कि नहीं, जैसे 6, 7 जो करेंगे, इन केस ऑफ 4, 5 जो वो 22 आ रहा है कि नहीं. फ्लैग इक्वल्स टू 1, अगर आ रहा है तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे फ्लैग इक्वल्स टू 1, ब्रेक लगा देंगे. फिर हम क्लोज करेंगे यहाँ पे दो क्लोजिंग. अगर फ्लैग इक्वल इक्वल 1, अगर फ्लैग 1 आता है मतलब वो नंबर, फ्लैग मतलब एक वेरिएबल है जिसमें हम असाइन कर रहे हैं कि वो कम्प्लीटली वो नंबर हमें मिल जा रहा है. अगर मिल जा रहा है तो वो नंबर क्या है, प्रोनिक नंबर, और अगर नहीं मिल रहा तो वो क्या है, प्रोनिक नंबर नहीं है. हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लास कंपाइल नो कंपाइलेशन एरर. जब यहाँ पर मैं कंपाइल करती हूँ, यहाँ पे मैं कंपाइल करती हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नो कंपाइलेशन एरर. तो ये है ये प्रोग्राम कि ये आपको बताएगा कि वेदर दिस नंबर इज़ प्रोनिक नंबर और नॉट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच.